हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक Y1 लाइट फ़ोन है। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये दोस्तों एंड्रॉयड MI के एंड्रॉयड पे ये रुक जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये MI है। इसके बाद दोस्तों ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम होती है। ये देखिए दोस्तों, पावर वर्ड एंड्रॉयड। उसके बाद दोस्तों ये रीस्टार्ट होती है ऑटोमेटिक। ये देखिए दोस्तों, ये फिर से रीस्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम है, स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है दोस्तों। तो इसको मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक फ्लश फाइल से फ्लशिंग किया। तो दोस्तों कौन सा फ्लश फाइल है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिए और इसे गूगल सर्च करिए दोस्तों। आपको यही फाइल आपको डाउनलोड करना है, 1.63 GB का है। अब दोस्तों इसे आपको फ्लशिंग दोस्तों आपको UMD से करना है। यहाँ पे देखिए, कोई भी लोडर नहीं लेना है दोस्तों, ऑटो लोडर पे क्लिक करके रखना है दोस्तों। और यहाँ पे प्रोग्राम पे सिर्फ जाकर दोस्तों राव पैच यहाँ पे 0 को लीजिए और यहाँ पे ऑटोमेटिक सब ले लेगा दोस्तों। और यहाँ पे उसके बाद फ्लशिंग पे स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे इसको ईडियल पॉइंट दो बटन है दोस्तों, यहाँ पे ये दो बटन है दोस्तों, ये दो। तो उस पर क्लिक करके दोस्तों आपको केबल लगाना है पावर ऑफ करते हुए। तो दोस्तों ये फ्लशिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोन, मैंने फ्लश अभी जस्ट किया है। इससे पहले दोस्तों ये पावर पर एंड्रॉयड पर लिख के दोस्तों रीस्टार्ट हो रही थी, इसे मैंने अभी फ्लशिंग किया है दोस्तों। यहाँ पे फ़ोन तो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं अच्छे तरीके से ऑन होता है कि नहीं, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। बस दोस्तों आपको यही करनी है, कोई भी ये हार्डवेयर फॉल्ट नहीं होती है, बहुत कम ही हार्डवेयर फॉल्ट होती है। आपको ये हार्डवेयर प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों, आपको बस एक बार इस फाइल से ही फ्लशिंग करनी है, जो कि हैंग ऑन लोगा स्पेशलिस्ट ये फ्लश फाइल है। आपको इससे ही फ्लशिंग करनी है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं लिंक अभी नहीं दूंगा क्योंकि दोस्तों कुछ कॉपीराइट वगैरह आता है, तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। तो आपको बस ये फाइल को यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। मैं इसका नाम आपको दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ऐसे रेनेम पे जाकर दोस्तों और यहाँ पे ऐसे दोस्तों फाइल को कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको गूगल पे जाना है और गूगल क्रोम में जाकर दोस्तों आपको सर्च करिएगा, तो जहाँ भी आएगा दोस्तों आपको अब सेम फाइल मिला लीजिएगा। 1.63 GB का है, बस उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। बस सिंपल है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। और UMT से आपको फ्लशिंग कर देना है। बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आप ये कर सकते हैं। तो देखिए इतना देर में तो मेरा फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता था, लेकिन दोस्तों अभी तक तो हुआ नहीं है। यानी कि दोस्तों ये फ़ोन बिल्कुल अब लगता है कि ये बन चुका है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण दोस्तों मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने फ्लशिंग किया तो यहाँ पे देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है दोस्तों, जो कि यहाँ पे बार बार रीस्टार्ट हो रही थी दोस्तों। तो ये फ्लश फाइल बस आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, UMT से फ्लशिंग करना है दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा टच भी फुल्ली वर्क कर रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम सोल्व होती है उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं फेक वीडियो बनाता नहीं हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं पहले उसको अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ऐसी वीडियो ट्रिक जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों मोबाइल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।